हेलो फ्रेंड्स, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर वन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन सेंस, जिसका है पार्ट चार। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो कल इस वीडियो में आपको इसका आंसर बताया जाएगा। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से करिए, आप खुद से करके देखिए, तो कल आप वीडियो से मैच कीजिए कि ताकि आपके देखिए कि कितने क्वेश्चन सही हुए या नहीं। कल की वीडियो में इसका सलूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर वन का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये, तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा, इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर वन का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको अकेला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस कमलदीप फ्रॉम स्टडी बार, स्टडी बार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो डायरेक्शन सेंस के ऊपर मेरा ये पार्ट फोर है, इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपने सॉल्व करने हैं। उससे आपको पता लग पाएगा कि आपका जो लेवल है वो कितना बना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर है। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस 3 पार्ट्स नहीं देखे, वो कृपया देख ले, उससे आपको ज़्यादा बेहतर इसमें समझ आ पाएगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, तो मैं वही पहले सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने क्वेश्चन बताया था, ऑन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर। देखिए, जहाँ सनसेट की बात करी है, इवनिंग की बात करी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इवनिंग दे रखा हो, सनसेट ना लिखा हो, तब भी कोई बात नहीं है। इवनिंग का मतलब होता है कि जब सूरज छिप रहा है, ठीक है जी। अब देखिए, जो मैं कहता हूँ कि जो सनसेट है, सन कहाँ सेट होता है राजे, ये होता है वेस्ट में, ठीक है जी, वेस्ट में होता है। वो कह रहे हैं कि रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे थे, और रेखा की जो शेडो है एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ से हेमा आ रही है और यहाँ से रेखा आ रही है, ठीक है जी, रेखा की शेडो हेमा, देखिए ये जब हेमा इधर से आ रही है, तो इसका ये लेफ्ट साइड होएगा और ये राइट साइड होएगा। तो वो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि हेमा की जो, देखिए यहाँ पर अगर सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी तो इसकी इमेज जो इधर बनेगी, तो वो यही कह रहा है कि रेखा की जो शेडो है वो हेमा की राइट साइड में बन रही है। तो हेमा की राइट साइड कौन सी है, ये वाली, तो इधर ही बन रही है इसकी शेडो। तो अगर ये वेस्ट है तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट होगी। नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ठीक है जी, और ये वेस्ट होता है। अब देखिए, अगर ये वेस्ट और ईस्ट, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ। इसको आप टेढ़ा करके देख सकते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, साउथ, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है कि बताइए रेखा किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, रेखा इधर को देख रही है, तो इधर क्या है हमारे पास, साउथ। तो आपका आंसर है साउथ, जो क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर सही दिया था। तो इससे पता चलता है कि आप को ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाया है। जो क्वेश्चंस आपने घर पे करने हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज फेसिंग साउथ, वो साउथ की ओर फेस कर रहा है, ही टर्न्स, वो टर्न कर रहा है 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 135 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी के उल्टा, एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी घूमती है 180 डिग्री क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ,
बताइए वो इस टाइम किस ओर फेस कर रहा है। तो ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ठीक है जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने ये कर रहा है, इसमें है गर्ल लीव फ्रॉम हर हाउस, वो अपने घर से चलती है। शी फर्स्ट वॉक्स 30 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, पहले वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर चलती है, एंड देन 30 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, फिर वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलती है 30 मीटर। उसके नेक्स्ट शी वॉक्स 30 मीटर्स इन द साउथ ईस्ट, फिर वो साउथ ईस्ट की ओर चलती है। शी वॉक्स 30 मीटर्स इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। फाइनली शी टर्न्स टू वर्ड्स हर हाउस, तो फाइनली वो अपनी घर की ओर मुड़ जाती है। तो इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग या मूविंग, तो अभी वो किस तरफ किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आंसर होंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नन ऑफ दिस। ये आपने सेकंड क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है द डोर ऑफ आदित्याज हाउस, जो आदित्या के घर का दरवाजा है वो फेसेस द ईस्ट, ईस्ट की ओर उसका फेस है। फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हिज हाउस, उसके घर के जो पीछे से, ही वॉक्स स्ट्रेट 50 मीटर्स, वो स्ट्रेट चलता है 50 मीटर, देन टर्न्स टू द राइट, फिर वो राइट की ओर टर्न कर लेता है, एंड वॉक्स 50 मीटर्स अगेन, फिर वो 50 मीटर्स चलता है। फाइनली ही टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट, फाइनली वो लेफ्ट की ओर टर्न कर लेता है, एंड स्टॉप्स आफ्टर वॉकिंग 25 मीटर, 25 मीटर चलने के बाद वो रुक जाता है। नाउ आदित्या इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये बताना है आदित्या स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखा जाए तो इस टाइम वो किस डायरेक्शन की ओर है। स्टार्टिंग पॉइंट को अपने रेफरेंस मान के चलना है। आंसर्स हैं साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है आई एम फेसिंग साउथ, मैं साउथ की ओर देख रहा हूँ। आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, राइट की ओर मैं टर्न करता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ। देन आई टर्न राइट अगेन, फिर मैं राइट की ओर चलता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ। देन आई टर्न लेफ्ट, फिर मैं लेफ्ट की ओर टर्न करता हूँ एंड वॉक 10 मीटर, फिर 10 मीटर चलता हूँ। देन टर्निंग राइट एंड वॉक 20 मीटर, फिर मैं टर्न राइट करता हूँ और 20 मीटर चलता हूँ। देन आई टर्न राइट अगेन, फिर मैं राइट की ओर चलता हूँ और 60 मीटर चलता हूँ, वॉक करता हूँ। इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से मैं किस डायरेक्शन में इस टाइम चल रहा हूँ। तो आंसर है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेश का जो घर है, लोकेश जो स्कूल की बस है उसकी, वो फेस कर रही है, इज फेसिंग नॉर्थ व्हेन रीचेस हिज, जब वो अपने स्कूल पहुंचती है लोकेश की बस, तो उस टाइम उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ की ओर होती है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम लोकेश हाउस इट टर्न्स राइट ट्वाइस, वो राइट को 2 बार चलती है, एंड देन लेफ्ट बिफोर रीचिंग द स्कूल, स्कूल पहुंचने से पहले जो लोकेश की बस है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम लोकेश हाउस चलने के बाद 2 बार राइट चलती है, फिर लेफ्ट चलती है, और फिर वो स्कूल पहुंच जाती है। आपने ये बताना है व्हाट डायरेक्शन वाज द बस फेसिंग व्हेन इट लेफ्ट द बस स्टॉप इन फ्रंट ऑफ लोकेश हाउस, जब वो लोकेश के घर के सामने के बस स्टॉप से बस चलती है तो उस टाइम वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही होती है। तो इसका आपने आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, ये आपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स दीजिए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होएगा, आपको पता चल पाएगा कि आपको कितना समझ आया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कीजिए इसको, आप जो राइट साइड में बेल आइकन का बटन उसको दबाना मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। काफ़ी कोर्सेज हैं जो हम फ्यूचर में लेके आ रहे हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट्स उसमें, जो चाहे पे वो UGC नेट का पेपर 2 है वो भी हम कोशिश करेंगे, धीरे धीरे हम कवर करते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी वर्थ। जय हिंद।